गन्ने के खेत में जैविक खाद को डाल करके अपने उत्पादन को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनाश यादव आप सभी का फार्मर द जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मैं आज बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपने गन्ने के खेत में जैविक खाद को डाल करके अपने उत्पादन को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आप खाद देख सकते हैं, ये वही खाद है जो चीनी मिल जहाँ पे गन्ने की पिराई की जाती है वहाँ से इसकी जो मही निकाली जाती है, जिसको आप उसकी तमाम वेस्ट मटेरियल होते हैं, गंदगियाँ जो होती हैं जिसको मही कहते हैं, उसी चीज़ का ये खाद है। और ये बहुत ही वरदान साबित हो रहा है आजकल फसलों के लिए, ये क्योंकि ये जैविक खेती के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। आप देख सकते हैं, गन्ने की फसल है, ये शरतकालीन गन्ने की फसल थी, इसकी बुआई करने के बाद लगभग हो गया है, अक्टूबर के माह की बुआई है, इसमें जर्मिनेशन कुछ तो हो गया, कुछ अभी बाकी है, और इसकी जुताई भी हो चुकी है, गुड़ाई बढ़िया से। अब इसमें गुड़ाई करने के बाद में करते क्या हैं, ये खाद को पूरा बिखेर देते हैं खेत में, और बिखेरने के बाद में इसमें फिर इसको मिला करके इसमें और इस पर सिंचाई कर देंगे। इससे होता क्या है कि ये खाद जो होता है इसमें जो आपके फसलों में जीवाश्म पदार्थ की जो मात्रा की कमी होती है उसकी पूर्ति कर देता है, और आपके जो फसलों में के लिए या आपकी जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जिससे वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं और अधिक मात्रा में एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं आपके मेन फसल के लिए। इससे गन्ने का आपका जो उत्पादन होता है वो भी बढ़ जाता है, और आपका तना जो गन्ने का होता है पूरा वो भी मोटा निकलता है। तो इस खाद का आप प्रयोग जरूर करें, ये काफ़ी उपयोगी है, या ये खाद आपको ना उपलब्ध हो सके तो आप FYM जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसका प्रयोग जरूर करें, उसके प्रयोग से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। या वो ना मिल पाए तो आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मतलब आप जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनका तो इस्तेमाल करें ही, लेकिन आपको अपने अगर फसलों को अच्छा उत्पादन लेना हो या आपके अपने जो यहाँ की जो भूमि है उसकी अगर भौतिक दशा में सुधार लाना हो तो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ जो आपके बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फसल जो होती है वो उस तरह से रिस्पांस नहीं देगी जिस प्रकार आप चाह रहे हों। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर प्रयोग करें, और दूसरों को भी आप प्रेरित करें कि जैविक तरीके से किस प्रकार खेती को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जो केमिकल होते हैं वो हमारे लिए तो हानिकारक होते ही हैं और पशुओं के लिए भी होने के साथ साथ, मतलब पूरे जितने भी यहाँ पर हर एक प्रकार से सबके लिए, फसलों के लिए भी हानिकारक होते हैं, क्योंकि उत्पादन तो आपका अच्छा दे देगा लेकिन उससे आपकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती चली जाती है, क्योंकि वो पूरा न्यूट्रिएंट ले लेंगे आपका। ये चीज़ होती है, जैसे आप एक बार दे दिए फसल में अपने, दो तीन साल तक इसका उसमें काम होता रहता है, ये बरकरार रहेगी, लेकिन केमिकल वगैरह आप दे देते हैं तो जिस बार दिए हैं उसी बार अपना उसमें काम कर करके बाकी फिर उसकी जो होती है फर्टिलिटी को कम हो जाती है। तो ये चीज़ आप अपने फसल में प्रयोग कर करके ही अच्छा उत्पादन लें। किसान भाइयों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, और ये जानकारी अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने गन्ने का उत्पादन बढ़ा सके। धन्यवाद।